ये तस्वीरें आपको याद हैं, जब राहुल मणिपुर गए थे, इन बेबस जिंदगियों के बीच दौरा किया था। ये विजुअल्स उसी मणिपुर के हैं, जब देश के एक डिस्क्वालिफाइड एमपी मणिपुर में हिंसा पीड़ितों से मिलने पहुंचे थे, शांति की अपील की थी, तब ये तस्वीरें पूरे देश के सामने आई। इस बेबस मां को रोता देख पूरे देश की आंखें नम हुई। इन बच्चों की मासूमियत के आगे पूरा देश भावुक हुआ। सबके भीतर अभिलाषा थी कि मणिपुर में हिंसा रुक जाए, सरकार इस पर पहल करे, लेकिन आखिर सुनता कौन। गृह मंत्री बिहार में रैली कर रहे थे, प्रधानमंत्री अमेरिकी दौरे पर थे, बहरहाल इन तस्वीरों से दिल्ली में बैठे हुक्मरानों पर कोई असर नहीं हुआ। दरअसल सत्ता में बैठे लोगों के आंख का पानी सूख चुका है, इंसानियत उनमें बची ही नहीं है। बीते 80 दिनों से जारी हिंसा, आगजनी, हत्याएं और बलात्कार जैसी जघन्य घटनाओं पर इनकी चुप्पी दर्शाती है कि देश की सत्ता वाकई गलत लोगों के हाथ में जा चुकी है। राहुल के अनुरोध, सुझाव और चेतावनी का इन पर कोई असर नहीं हुआ। जननेता राहुल गांधी की तस्वीरें गवाह हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने बीते 80 दिनों में हिंसा रोकने के लिए कोई बड़े कदम नहीं उठाए हैं। इनकी सरकार आज भी चैन की नींद सो रही है। एक तरफ एक नेता 48 घंटे हिंसा ग्रस्त क्षेत्र में बिताता है, उधर दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री 80 दिनों के बाद महज 36 सेकंड भी ठीक से नहीं बोल पाते। सवाल तो प्रधानमंत्री से ही है, अगर उन दो महिलाओं के साथ हैवानियत का वीडियो वायरल नहीं होता तो शायद आप मणिपुर पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ते। पूरे विश्व में आपने भारत की थू थू करवा दी है, देश के अंतरंग प्रदेश को हिटलर की राजधानी बना दी है। आज देश समझ चुका है असली नेता होने का अर्थ क्या होता है। उद्योगपति मित्रों के अथाह पैसों पर मीडिया में प्रोपोगेंडा जनरेट कर नेता बनने वाले पंत प्रधान और जन नेता के बीच का अंतर राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है। अगर देश की सरकार ने राहुल की बात मान ली होती तो आज मणिपुर की सूरत कुछ और होती। एक नेता जो जमीन से जुड़ा है, जो लोगों के बीच रहता है, जनता के बीच जाता है, पीड़ितों से मिलता है, उनके आंसू पोंछता है, गले लगाता है, इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, इंसानियत चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री में नैतिकता की भारी कमी है। मैं फिर कह रही हूं, राहुल गांधी होना आसान नहीं है। आसान है तो कोई नेता जाए मणिपुर के हिंसाग्रस्त इलाके में कुछ दिन बिताए, उन गांव में जो आग के हवाले कर दिए गए, उन शेल्टर होम में, उन रिलीफ कैंप में जाइए, आंख मिलाइए उस माँ से जिसकी बेटी के साथ रेप हुआ है, उस बाप के कंधे पर हाथ रखिए जिसका बेटा मरा है, उस परिवार के लिए संबल के चार शब्द तो कहिए जिसका कारोबार खत्म हो गया, जिसके घर जल गए, जिसकी जिंदगियां बर्बाद हो गई। ऐसा करने के लिए हिम्मत चाहिए। अफसोस आप में हिम्मत नहीं है। आपकी सारी ताकत तो चुनावी रैलियों में दिखती है। आपका एकमात्र काम है राहुल गांधी और कांग्रेस पर टिप्पणी करते रहना। आपका 56 इंच का सीना 36 सेकंड में सिकुड़ जाता है, इसीलिए आपकी प्रासंगिकता समाप्त हो रही है। आपके झूठे वायदों की कलई खुल चुकी है। मोदी जी याद रखिएगा, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। देश आपके जुमलों से कई मील अब आगे निकल चुका है। ये देश, यहाँ के लोग आपके खिलाफ क्रांति का आह्वान कर रहे हैं। आपकी सरकार ने एक खुशहाल प्रदेश को आग के हवाले कर दिया है। आपके राज्य में महिलाएं असुरक्षित हो गई है। मैं आपको निकम्मा कह रही हूँ, बस इतना कहना है, ये देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। हम भारत के लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे।